राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये गीत। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर लगा हुआ हूँ महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रहे, लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता,
जलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अभी आप सुन रहे थे ये गीत रचनाकार देवराज दिनेश, निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।